हरियाणा के हिसार में बगला रोड पर ई रिक्शा चालक की अज्ञात व्यक्ति ने तेज धार हथियार से हत्या कर दी। हत्या की वारदात से आसपास दहशत का माहौल है। वहीं हत्या की वारदात के बाद पुलिस हरकत में आ गई। जैसे ही पुलिस को वारदात की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतक राजेश के भाई दिनेश के बयान पर हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मृतक मूल रूप से यूपी में हाथरस का रहने वाला था और मृतक राजेश करीब 9 वर्ष से हिसार के ढाणी श्यामलाल में किराए के मकान में अपनी पत्नी व बेटी के साथ रहता था। मृतक के परिजनों ने बताया कि उसका सबसे बड़ा भाई 36 वर्षीय राजेश ई रिक्शा चालक था और वह लगातार 5 दिन से 2 भैंस व्यापारियों के साथ 600 रुपए किराए पर हिसार के आसपास के अलग अलग गांवों में जा रहा था। उसने उन्हें 2 व्यापारियों के साथ गांव न्योली में जाना था। परिजनों ने बताया कि रात को जब उसका भाई नहीं लौटा तो उसकी भाभी ने उन्हें सूचित किया। इस पर वह तीनों भाई राजेश की तलाश में जुट गए। इस बीच राजेश का फोन भी बंद आ रहा था। सुबह करीब 9 बजे वह राजेश की तलाश में गांव नयोली की तरफ निकले तो बगला रोड पर सड़क किनारे राजेश की ई रिक्शा पलटी पड़ी थी और राजेश का शव उसमें खून से लथपथ पड़ा था। जांच अधिकारी ने बताया कि हमें सूचना मिली कि बगला रोड पर किसी व्यक्ति का शव पड़ा है। मौके पर पहुंचे तो मृतक राजेश के सिर व चेहरे पर किसी पत्थर या भारी वस्तु से चोट के निशान थे। मौके पर वारदात स्थल पर पहुंची पुलिस ने राजेश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हिसार के नागरिक अस्पताल के शव गृह में भिजवा दिया है। जांच अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला तो ये जो बताया था आपसे, मैं 1 बजे निकले थे नेवली गांव के लिए, फिर उधर से उनका 6 बजे फोन आया था कि आप रोटी राटी बना लीजिए, मैं आ रहा हूँ। 6:30 बजे बाद फोन ही नहीं मिल रहा था उनका जी। अच्छा। हाँ जी। उनके बाद फिर हमने फोन बंद होने के बाद हमने उनके पास कॉल करना स्टार्ट कर, तो फोन बंद 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 बता रहा था। हाँ जी। फिर हमने सुबह 6 बजे निकले घर से। हाँ जी। फिर 9:30 बजे हमको जी नेवली रोड पे जो अंडा अपना एजेंसी है उसी उसे 1 किलोमीटर आगे महिंद्रा के, हाँ महिंद्रा जी, उसके पास जी हमने मिले थे सुबह। राजेश रिक्शा चलाते थे जी, ये ऑटो रिक्शा, ये ई रिक्शा चलाता था। हाँ जी। और कोई भैंसों के व्यापारी थे जी, उनके साथ 4-5 दिन से लगातार जा रहा था। 600 रुपये दिहाड़ी प्रतिदिन की थी। और कल इनके भाइयों ने बताया भाई, सुबह 2 इसके व्यापारी थे भैंसों के, न्योली गाँव के लिए बोल के गए थे, तो शाम को घर नहीं आया। इनकी जो मृतक की पत्नी है, इसने बताया अपने परिवार वाले को भाई राजेश घर पे नहीं आया। इन्होंने रात को भी तलाश की और सुबह इन्होंने फिर बगला रोड पे ये ई रिक्शा थी पलटी हुई मिली और उसमें डेड बॉडी राजेश की पड़ी थी। हमारे सूचना मिली, हम मौके पहुँचे, कार्रवाई की है, उन आरोपियों की तलाश करके अतिशीघ्र गिरफ्तार करेंगे। सिर में है, माथे पे और ठोड़ी पे, बाकी शरीर पे काफ़ी निशान है। 332 IPC। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.